शुरू करें। बिल्कुल टिक के बैटिंग करनी है, हर सेक्शन को टिक के देखना है और समझना है, ठीक है। सो पहली ग्रामर स्किल हमारे सामने, देखो बिल्कुल कॉमन ग्रामर स्किल है, पहले भी बात हुई है इस पे। जब भी हम 2+2 का कॉम्बिनेशन या फॉर्मेट लेते हैं तो वो कैसे यूज होता है, आप लोगों को जितनों को भी पता है वो बताना शुरू करिए चैट बॉक्स में। जब भी मैं 2+2 का स्ट्रक्चर लेता हूं ये कैसे यूज होता है बताइए कुछ उस बारे में, ये क्या एक्सप्रेस करता है जनरली। नेगेटिविटी को एक्सप्रेस करता है, 2+2 का कॉम्बिनेशन जनरली क्या करता है, नेगेटिविटी को एक्सप्रेस करता है। जैसे अगर मैंने बोला ही इज 2 वीक टू वॉक, समझ गए ना, ही इज 2 वीक टू वॉक। अब कोई भी नेगेटिव पॉइंट आ सकता है यहां पे, वीक ही नहीं कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब यहां से अगर हम देखें ही इज 2 वीक टू वॉक, व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स व्हाट, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। इसका मीनिंग कुछ ऐसे ही होगा ना, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट सेम मीनिंग रख रहे हैं, समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं, दोनों स्ट्रक्चर्स क्या कर रहे हैं, सेम मीनिंग रख रहे हैं। ही इज टू वीक टू वॉक, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, दोनों सेम मीनिंग रख रहे हैं। अब एक चीज याद रखना, एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में क्या होता है, टू लगा देते हैं और आगे दैट का यूज कर देते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, ही इज सो वीक टू वॉक ऐसा लिख देते हैं, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स गलत है। देखो इसका ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, टू के साथ टू का कॉम्बिनेशन ही मिलेगा, टू के साथ टू का कॉम्बिनेशन ही मिलेगा, तभी यह नेगेटिविटी को दिखाएगा। अब टू का यूज क्या इसी केस में करते हैं और कहीं भी करते हैं बताओ जरा, 2+2 का कॉम्बिनेशन ठीक है नेगेटिविटी दिखाता है, ही इज टू वीक टू वॉक मीन्स ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, लेकिन क्या सिर्फ टू का यूज इंडिविजुअली किया जाता है, किया जाता है नहीं किया जाता है, ऑफकोर्स किया जाता है, टू भी अपने आप में यूज होता है। तो टू का यूज कब करते हैं हम लोग, टू का यूज हम नाउन या प्रोनाउन के जस्ट बाद में भी करते हैं, जस्ट लाइक अगर मैंने बोला राहुल टू इज गोइंग देयर, नाउन या प्रोनाउन के जस्ट बाद अगर टू का यूज हुआ तो टू किसका सेंस देगा, किसका सेंस देगा, ऑल्सो का सेंस देगा, किसका सेंस देगा, ऑल्सो का सेंस देगा। मतलब राहुल टू इज गोइंग देयर मीन्स व्हाट, राहुल ऑल्सो इज गोइंग देयर, कुछ ऐसे इसका मीनिंग कुछ ऐसे ही जाएगा। तो राहुल टू का यूज जब नाउन या प्रोनाउन के जस्ट बाद में होता है तो ये कहीं ना कहीं ऑल्सो का सेंस देता है। दूसरी चीज, टू से हम एक्सटेंट को भी दिखाते हैं, एक्सटेंट समझ रहे हो ना, एक्सटेंट लिमिट सीमा, जैसे बोलते हैं ना इट्स टू हॉट टुडे, इट्स टू हॉट टुडे, यहां पे 2+2 का कॉम्बिनेशन भी लगा सकते हैं, इट्स टू हॉट टू गो आउट ऐसा भी बना सकते हैं। तो सेंटेंस क्या बनेगा, इट्स सो हॉट दैट वी कैन नॉट गो आउट, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। अब अगर मैंने बोला इट्स टू हॉट टुडे, व्हाट डज इट मीन, ये एक्सटेंट को बता रहा है, बहुत ज्यादा ही गर्मी है, कुछ ऐसा सेंस दे रहा है। क्या सभी को क्लियर हो गया यहां तक जो मैं कह रहा हूं, सभी को क्लियर हो रहा है जो मैं कह रहा हूं चीजें, यस और नो, सबको क्लियर हो रहा है,
टू प्लस टू का यूज कैसे करते हैं, सिर्फ टू का यूज कैसे करते हैं। समझ में आ रही है ये बात? यस और नो? ओके, सो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्या बीमारी है, करेक्ट करके लिखिए स्टेटमेंट्स को जल्दी से। अच्छा, ही इज टू वीक सो दैट ही कैन नॉट वॉक। ही इज टू वीक सो दैट ही कैन नॉट वॉक। अब यहां पे अगर एक कुछ स्ट्रक्चर्स हम देखें तो हमें समझ आ रहा है, पहला स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होना चाहिए, ही इज टू वीक टू वॉक, कुछ ऐसा होना चाहिए, ही इज टू वीक टू वॉक। या फिर हम यहां पे टू को हटा सकते हैं और लिख सकते हैं ही इज सो वीक, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक है, अगला ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। अब देखो ये स्टेटमेंट ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, ये पूरी तरह से सही लिखा है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इज टू वीक टू वॉक, सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। तो सो का यूज दैट लगा के आगे कैन नॉट का यूज तब करेंगे जब टू प्लस टू के कॉम्बिनेशन को क्या करके ट्रांसफॉर्म करके अगला स्ट्रक्चर बनाएंगे उसी तरह का। वैसे आप सो का यूज नहीं करेंगे, वैसे ध्यान देना इस चीज पे, सो का यूज नहीं करेंगे, आगे कैन नॉट की कोई जरूरत नहीं है। समझ गए? यस और नो? सबको समझ आ गया? तो ये स्ट्रक्चर सही है, ग्रामेटिकली सही है। ठीक है, सो आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला पॉइंट आखिर हमसे क्या कहना चाहता है। अगला पॉइंट है, देखो क्या आपने टू मच और मच टू का यूज किया है पहले? अगर किया है तो चैट बॉक्स में बताना शुरू करो कि टू मच और मच टू का यूज कैसे करते हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको यह समझ आ रहा होगा कि टू मच का यूज तो सर हमने किया है लेकिन मच टू का यूज नहीं किया, ये तो दुनिया में पहली बार देखा है। कुछ लोगों ने फर्स्ट टाइम देखा होगा और कुछ लोगों को पता होगा, तो मच टू का यूज कैसे कर सकते हैं जरा बताइए, एक दो एडजेक्टिव के पहले यूज करके बताइए मच टू का यूज। तब तक मैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूं जिनको मच टू नहीं पता है, क्योंकि यह ऐसा पॉइंट है जब एग्जाम में आता है ना तो हमें गलत ही लगता है। रीजन क्या है कि अगर हमने मच टू नहीं पढ़ा, जो चीजें हमने नहीं पढ़ी होती हैं वो हमें एग्जाम में गलत ही लगती हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। ठीक है, तो पहली चीज ये समझिए, टू मच का यूज नाउन के पहले करते हैं। अब टू मच किसके पहले आ सकता है? नाउन के पहले। टू मच वाटर हो सकता है, टू मच मिल्क हो सकता है, टू मच मनी हो सकता है, कुछ भी एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है। मतलब टू मच का यूज बहुत अधिक के सेंस में, वाटर के पहले कर सकते हैं, मिल्क के पहले कर सकते हैं, मनी के पहले कर सकते हैं, टू मच का यूज कहीं भी होता है। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मच टू, मच टू का यूज हम हमेशा अनप्लेजेंट एडजेक्टिव्स के पहले करते हैं। जब भी हम मच टू का यूज करते हैं तो यह हमेशा अनप्लेजेंट एडजेक्टिव्स के पहले यूज होता है। अब यहां से एक चीज और ध्यान देने वाली है कि मच टू का यूज कभी प्लीजेंट एडजेक्टिव्स के पहले नहीं होता। ध्यान देना इस चीज पे, मच टू का यूज कभी प्लीजेंट एडजेक्टिव्स के पहले नहीं होता। मींस मच टू हैप्पी नहीं हो सकता है, मच टू सैड हो सकता है। समझ गए ना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? मच टू ब्यूटीफुल या मच टू हैंडसम नहीं हो सकता है, मच टू अगली हो सकता है। समझ गए ना? तो अब मच टू के बाद क्या हो सकता है? जैसे डिसऑनेस्ट हो गया, डिसऑनेस्ट हो गया, या फिर पेनफुल हो गया, एटसेट्रा। मतलब जो भी नेगेटिव एडजेक्टिव्स हैं, मच का यूज उनके, मच टू का यूज उनके पहले होता है। तो क्या पॉजिटिव एडजेक्टिव्स के पहले मच टू कभी आ सकता है? नहीं आ सकता, ग्रामेटिकली गलत है।
अगर मैं बोलूं मच टू ब्यूटीफुल, मच टू हैंडसम, तो ये ग्रामेटिकली गलत है। इंग्लिश स्पीकिंग में कभी कभी हम मच टू का यूज, देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, मच टू का यूज ग्रामेटिकली पॉजिटिव एडजेक्टिव्स के पहले रॉन्ग है, गलत है, पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। स्पोकन में कभी कभी इसका यूज करते हैं हम लोग पॉजिटिव एडजेक्टिव्स के लिए भी, और अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव के लिए मच टू का यूज किया गया स्पोकन में भी, तो ये उसको भी नेगेटिव बना देगा। क्या आपने कभी सार्केस्टिक वे में बात की है किसी से? वो बहुत ज्यादा ही हैंडसम है, वो बहुत ज्यादा ही इंटेलिजेंट है, ये तारीफ कर रहे हो बुराई कर रहे हो बताओ जरा? अगर ऐसे बोल रहे हो किसी से, हाँ वो बहुत ज्यादा ही हैंडसम बनता है, वो बहुत ज्यादा ही स्मार्ट बन रहा था या बन रही थी, वो बहुत ज्यादा ही इंटेलिजेंट बन रहा है या बन रही है। एक्चुअल में मैं कहना क्या चाहता हूं, अगर आप ऐसे बोल रहे हैं व्हाट डज इट मीन? आप तारीफ कर रहे हैं बुराई कर रहे हैं? ऑफ कोर्स आप बुराई कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि वो इतना हैंडसम है नहीं जितना वो शो ऑफ करता है, या वो इतना स्मार्ट है नहीं, या वो इतना इंटेलिजेंट है नहीं। समझ गया ना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? तो टू मच का यूज अगर स्पोकन में भी करते हैं तो वो सार्केस्टिक वे में स्ट्रक्चर हमारा जाता है, इट मींस व्हाट, हम तारीफ नहीं कर रहे बुराई ही कर रहे हैं। समझ गए ना? समझ गए सभी अंदर से मैं क्या कह रहा हूं? यस ऑर नो? सभी को समझ आया क्या कह रहा हूं? तो मच टू का यूज अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव्स के पहले स्पोकन में भी किया गया तो वो भी कहीं ना कहीं सेंस कैसा देगा? नेगेटिव सेंस देगा, ग्रामेटिकली गलत है। अगर ग्रामेटिकली आपको मच टू ब्यूटीफुल मिलता है, मच टू हैंडसम मिलता है, मच टू स्मार्ट मिलता है, ये सब गलत है। डन? समझ आ गया अच्छे से? अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाफट। देखिए फटाफट क्या बीमारी है और पिक करिए अपना आंसर, करेक्ट करके लिखिए इन स्टेटमेंट्स को जो भी बीमारी है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, अब एक चीज और याद रखना, जैसे अभी अनुज ने एक स्टेटमेंट लिखा था, सर टुडे यू आर लुकिंग टू मच हैंडसम, तो अब यहां पे एक चीज समझना, टू मच का यूज कभी एडजेक्टिव के पहले नहीं होता। जो बोल रहा हूं उस चीज को अंदर तक जाने देना, समझना इस बात को, क्योंकि ये करते हैं गलती हम सोचते हैं मच टू का यूज नेगेटिव एडजेक्टिव के पहले होगा तो टू मच का यूज पॉजिटिव एडजेक्टिव के पहले हो जाएगा, ये हमारा दिमाग समझ लेता है। प्रॉब्लम यहां पे, क्या मैंने ऐसा बोला कि टू मच का यूज पॉजिटिव एडजेक्टिव के पहले हम कर सकते हैं? क्या मैंने ऐसा कहा? टू मच का यूज नाउन्स के पहले करते हैं ना, किसी भी तरह का नाउन हो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, तो टू मच का यूज एडजेक्टिव के पहले नहीं कर सकते। अगर हम किसी की तारीफ करना चाहते हैं, जैसे मुझे अनुज की तारीफ करनी है, आनंद की, अंकुर की तारीफ करनी है, तो मैं क्या बोलूंगा? यू आर वेरी हैंडसम, वेरी लगा सकते हैं, बहुत ज्यादा हैंडसम है आप, ठीक है। या किसी गर्ल के लिए तान्या, निकिता, प्रियंका, किसी की तारीफ करनी है तो मैं क्या बोल सकता हूं? यू आर वेरी ब्यूटीफुल, टू मच ब्यूटीफुल नहीं, टू मच ब्यूटीफुल, टू मच हैंडसम, ये सब गलत हो जाएगा। क्या समझ गए मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? यस ऑर नो? डन। अब यहां पे अगर हम देखें, हिज फेलर, उसकी असफलता, हिज फेलर इज टू मच पेनफुल फॉर मी, उसकी जो असफलता है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा पेनफुल है, कुछ ऐसा कहना चाहता है। अब यहां से अगर हम देखें, पेनफुल एक एडजेक्टिव है, पेनफुल मतलब दर्द भरा, और दर्द भरा तो कुछ होगा ना, और अगर दर्द भरा कुछ होगा तो पेनफुल एक एडजेक्टिव है, और अगर पेनफुल एक एडजेक्टिव है तो इसके पहले टू मच आएगा या मच टू आएगा? जल्दी से बताओ, टू मच या मच टू? मच टू का यूज करेंगे, एंड द स्टेटमेंट वुड बी व्हाट? हिज फेलर इज मच टू पेनफुल फॉर मी, हिज फेलर इज मच टू पेनफुल फॉर
me. This would be the correct structure. Agla, his wife's rude behavior gives him much to pain. उसकी wife के rude behavior ने, रूखे स्वभाव ने या बुरे स्वभाव ने उसे बहुत सारा दर्द दिया. ठीक है, तो अब यहां पे अगर हम देखें, पेन मतलब एक नाउन है, पेन नाउन है. अब यहां पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना, नाउन मतलब नाउन, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, टू मच वाटर, टू मच मिल्क, टू मच शुगर, कुछ भी हो सकता है. तो यहां पे भी पेन एक नाउन है, पेन मतलब दर्द, नाम दे दिया हमने. तो अब यहां पे अगर हम देखें तो मच टू आएगा, टू मच आएगा, टू मच का यूज करेंगे और स्टेटमेंट क्या जाएगा, हिज वाइफ्स रूड बिहेवियर गिव्स हिम टू मच पेन. दिस वुड बी द करेक्ट स्ट्रक्चर. सबको क्लियर हुआ, सबको क्लियर हुआ जो कह रहा हूं, यस और नो? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं. वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन. मच टू यूज हुआ, ओके ओके ठीक है. मच टू का यूज कैसे हुआ निकिता, ध्यान से समझो. पेनफुल, दर्द भरा, दर्द भरा तो कुछ होगा ना. पेनफुल, ब्यूटीफुल, हैंडसम, स्मार्ट, केयरलेस, ये सब क्या है? नाउन है, एडजेक्टिव है. सोच के देखो जरा. पेनफुल कुछ होगा, ब्यूटीफुल कोई होगा, हैंडसम कोई होगा, केयरलेस कोई होगा, मतलब किसी के बारे में बात हो रही है ना, तो ये सब क्या है? एडजेक्टिव है. और अभी अभी मैंने बोला नेगेटिव एडजेक्टिव्स के पहले हमें क्या यूज करना है, टू मच, मच टू, मच टू का यूज करना है. ऐसे ये यूज हो रहा है यहां पे. समझ में आ गया सबको? डन? कोई डाउट तो नहीं बचा अंदर से? 1% भी डाउट मत रखना अपने अंदर, 1% भी डाउट मत रखना, क्योंकि ये पॉइंट ऐसा है जो कई बार एग्जाम में आया है. ठीक है, कई बार एग्जाम में ये पॉइंट पूछा जा चुका है, याद रखिए.